ये मानिए कि दो बड़े कवियों की अगवानी में खड़ा हूं। सुरेन शर्मा जी आपको ठाके लगवाएंगे, वहीं वसीम बगलवी साहब आपको वो शायरी सुनाएंगे जो आप अपने साथ ले जाएंगे। आइए मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपसे करता हूं। अभी तक मैं संचालक की भूमिका में था, उसी भूमिका में मुझे फिर लौटना है। अगर वो भूमिका अब तक हमने ठीक निभाई हो तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दूसरी भूमिका में, कुछ लोग जो निकल रहे हैं जल्दी से निकल लें, क्योंकि जितना समय लेके आए थे उतना ही दे सकते हैं। हरिओम पवार जी ने भूख की बहुत अच्छी कविता पढ़ी, और इसके बाद में राष्ट्र चेतना की कविता पढ़ी। हिंदी की बात चली तो मैं सिर्फ दो पंक्तियां ये कहता हूं, और सच्ची लगे अच्छी लगे तो बताना। मैं ये कहता हूं कि ले आंख मूंद अपमान देख, वो खून नहीं है पानी है। ले आंख मूंद अपमान देख, वो खून नहीं है पानी है। जिसको हिंदी से प्यार नहीं वो कैसा हिंदुस्तानी है। हमारी मातृभाषा है और भाषा बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं हो। दैनिक जागरण ने इसके लिए वाकई बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए आपके आशीर्वाद से दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र बना है। आइए कुछ बातें करते हैं, एक टिप्पणी करते हैं पहले, और टिप्पणी ये करते हैं कि बहुत सारे नेताओं के नाम भी लिए गए, नेताओं पे कह दिया गया। मैं राजधानी लखनऊ में खड़ा हूँ, महनी मंच पे खड़ा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण लोग सामने हैं, तो एक टिप्पणी ये करता हूँ कि नेता कह दिए गए, ये नेता वो नेता बहुत सारी। सच बात तो ये है कि एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबिल और होठों पे गुलगंध की पवित्र जबान रख के लखनऊ की अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवास से शपथ पूर्वक की घोषणा करता हूं कि देश में नेता कोई नहीं है। मोदी जी भी नहीं, वो तो चौकीदार। ये घोषणा करता हूं कि देश में नेता कोई नहीं है, क्योंकि नेता इस देश में एक हुआ जिसके नाम पर नेता शब्द को सम्मान मिला, नेता शब्द को इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। वाह, उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम हमें खून दो। मुझे मालूम है आधा नारा आप बोलेंगे। उन्होंने नारा दिया कि तुम हमें खून दो। हाँ, उन्होंने कहा तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के तमाम नेता क्या कहते हैं, तुम हमें आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। रावलपिंडी तक पहुंचने के बाद हरिओम पवार जी ने की, और जो एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसकी भी बात की। लेकिन दोस्तों शर्मनाक बात यह है कि जब इस तरह की घटनाएं घटें और हम पड़ोसी देश पर लगाम लगाने की कोशिश करें, तब देश के भी कई नेता खड़े हो जाते हैं और सबूत मांगने लगते हैं। कहीं ना कहीं सेना का मनोबल गिरता है। कैसे कैसे नेता, कैसी कैसी घोषणाएं। एक नेता ने तो घोषणा कर दी कि गर्दन पर चाकू रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैंने कहा मत बोलो, कौन कहता कि आप भारत माता की जय बोलो। सच बात तो यह है कि आप जैसे लोगों को भारत माता की जय बोलनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलनी चाहिए, दो पंक्तियां सुनना, बहुत हौसले से कही, लखनऊ से हौसला मांगता हूं। मैंने कहा ऐसे नेताओं को भारत माता की जय नहीं बोलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि नाली की गंदी मिट्टी से पूजा के बर्तन नहीं गड़े जाते। वाह, बहुत अच्छे, ये मोहल्ला खामोश है। मैंने कहा नाली की गंदी मिट्टी से पूजा के बर्तन नहीं गड़े जाते, जुबानें अगर गंदी हो तो प्रार्थना के श्लोक नहीं पढ़े जाते। वाह वाह, भीतर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बैठे हों, वसीम बरेलवी साहब बैठे हों, तो भारत माता की जय अपने आप निकलती है। ये देश विभिन्नताओं का देश है, कुछ भी कह जाने का देश है। सबूत मांगेंगे तो मैंने बहुत छोटा सा व्यंग कहा, ये बातें मैंने इसलिए की कि व्यंग सुनने के मूड में आ जाएं। सबूत मांगेंगे तो मैंने बहुत छोटा सा व्यंग कहा, मंच भी पहली बार सुनेगा। मैं समर्पित करता हूं आपको कि ऑफिस से जैसे ही मैं घर आया, ये सबूत मांगने का चलन अब अपना रंग दिखाने लगा है। इसका असर
घर परिवार तक आने लगा है, इसका असर घर परिवार तक आने लगा है। ऑफिस से लौटते ही मैंने बेटे को उल्टी सीधी हरकत करते हुए पाया तो मैंने बड़ी जोर से हड़काया, हमने क्या समझते हैं आप, मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। मैंने कहा मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। तो बेटा मुस्कुराया, आप मेरे बाप तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। ये सुन के मेरा दिमाग भन्नाया, मैंने एक जोरदार झापड़ उसके गाल पे लगाया, दर्द के मारे बिलबिलाया, जो से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे बाप मेरे बाप मेरे बाप। ये सुन के मेरा मन कमल की तरह खिल गया, वाह वाह एक ही झापड़ में सबूत मिल गया। बहुत सारे समाधान है, बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारे नेताओं के नाम लिए गए। उत्तर प्रदेश की बात भी की गई तो चचा ने कहा, भतीजी से कहा, चचा ने मैं बात सुनना बिल्कुल ताजी ताजी, चचा ने भतीजी से कहा, बबुआ तुम्हारे कोई काम नहीं है बुआ। चचा ने भतीजी से कहा, बबुआ तुम्हारे कोई काम नहीं है बुआ, तुम तो एक हो। बुआ का कद और बढ़ा दिया, वो तो जीरो पे थी, उसके आगे तुमने एक लगा दिया। वाह वाह, वो तो जीरो पे थी, उनके आगे तुमने एक और लगा दिया। अब कहोगे बुआ बुआ, तो भतीजा बोला, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। वाह, आइए एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। ये जो एयर स्ट्राइक हुई उस पर कविता इन दिनों मेरी बड़ी वायरल हुई, बहुत जगह पहुंची। तीन साढ़े तीन चार मिनट का समय मांगता हूं क्योंकि दो बड़े कवियों को सुनना है। ये जब एयर स्ट्राइक हुई तो इसके बाद में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा, पाकिस्तान ने अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए कई देशों से बात की, हर देश ने एक ही जवाब दिया, नो एंट्री। घबरा के उसने अमेरिका को फोन मिलाया, देर तक बात की, किसी अखबार ने नहीं छापा, टेलीविजन ने नहीं सुनाया, आकाशवाणी ने नहीं सुनाया, लेकिन व्यंग का ये कवि सुरेश अवस्थी पूरी बातचीत सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक के बाद की ये बातचीत टेप करके लाया। आपके अदालत में मैं रखना चाहता हूं, अमेरिका और पाकिस्तान की गोपनीय बातचीत एक बार आगे से पीछे तक प्रजातांत्रिक तरीके से ताली बजा के मुझे आदेश कर दीजिए। समय की सीमा, इसलिए एक कविता पढ़ता हूं कि जैसे ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके दबाव बढ़ाया, पाकिस्तान घबराया, उसने तुरंत अमेरिका को फोन मिलाया, बोला मेरे आका, वही उनके आका, बोले मेरे आका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के अलावा कोई दीवार नहीं है और आपका हाथ मेरी पीठ पर है, फिर भी हिंदुस्तान की हिम्मत तो देखिए, कश्मीर का एक टुकड़ा देना तो दूर, उस पर बात तक करने को तैयार नहीं है। वाह, उस पर बात तक करने को तैयार नहीं है। आओ तो हो, अब तो दुनिया में मुझे आतंकी देश बता के छवि बिगाड़ रहा है, अब तो हद हो गई, घर के भीतर घुस घुस के मार रहा, अब तो हद हो गई, घर के भीतर घुस के मार रहा है। इसलिए मेरी बात अब सीधे सीधे कुछ कीजिए, आप मेरी सांस सांस के पहरेदार, मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, मुझ पे रहम खाओ, कश्मीर के मसले पर खुल के मेरे साथ आओ, भारत को समझाओ और ना समझे तो धमकाओ। ये पाकिस्तान समझता है कि अमेरिका आज भी हिंदुस्तान को धमका लेगा, लेकिन दोस्तों देश बदल गया है, परिवेश बदल गया है, बदले परिवेश में अमेरिका का जवाब सुनना। बोले मेरे सांस सांस के तहेदार, मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, मुझ पे वहम खाओ, भारत को धमकाओ, भारत को धमकाओ। तो अमेरिका बोला, क्या बकते हो, किस होश में रहते हो, भारत को धमकाओ यानी कि तुम्हारी मुसीबत अपने गले लटकाऊं, यानी कि तुम्हारी मुसीबत अपने गले लटकाऊं। मियां वो दिन गए जब भारत के हुक्मरान हवा में पतंगे उड़ाते थे, अब तो
अग्निपथ और नाग जैसी मिसाइलें उड़ाते हैं और मिसाइलें उड़ाते उड़ाते अंतरिक्ष तक चले जाते हैं। बोले मियां वो दिन गए जब भारत हवा में पतंगे उड़ाता था, अब तो पोखरण में विस्फोट करके दिखाता है। और मियां किसी से कहना नहीं, सच बात तो ये है कि उनके धमाकों को सुन के हम भी डर जाते हैं, उनके धमाकों को सुन के हम भी डर जाते हैं। मियां वो दिन गए, मियां वो दिन गए तो भूल गया कि भारत, आप तो भूल गया कि भारत के शौर्य को लोग क्या मानते हैं। तूने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा कि भारत के अभिनंदन चिड़िया से बाज को मार गिराने का हुनर जानते हैं। वाह, तालियां कम है आपकी। वाह 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 वाह, चिड़िया से बाज को मार गिराने का हुनर जानते हैं। और सच बात तो यह है कि भारत महाशक्ति हो गया है, अब उसकी हर बात कान धरनी पड़ती है, अब उससे अकड़ के नहीं अदब से बात करनी पड़ती है, अब उससे अकड़ के नहीं अदब से बात करनी पड़ती है। इसलिए मैं तेरी बदनीयती के बदनाम बंकर में भारत के खिलाफ अपनी ताकत का दिया नहीं धर सकता। दो टूक जवाब, अच्छा लगे सच्चा लगे तो आगे से लेके पीछे तक समर्थन करना। अमेरिका बोला इसलिए तेरी बदनीति के बदनाम बंकर में मैं अपनी ताकत का दिया नहीं धर सकता, पंक्तियां संभालना, इसलिए मैं तेरी दिल फरेब अदाओं के आईने में नहीं उतर सकता और किसी जुगनू की खातिर सूरज को नाराज नहीं कर सकता, किसी जुगनू की खातिर सूरज को नाराज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। मैंने कभी कहा था कि सीमा पर होते नहीं अगर जवान शहीद, कैसे बनते देश में तीज दिवाली ईद। कौन कौन लड़ता है सीमा पर? अपनी अपनी भूमिका तलाशना, संवेदनशील पंक्तियां संवेदनशीलता से सुनना। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, इस अनंत आकाश में शहीदों की आत्माएं जहां कहीं हो आपकी तालियों से उन तक श्रद्धांजलि पहुंचे। मैंने कहा भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है मंच का ध्यान चाहता हूं। कि भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। वाह 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 वाह, पूरा देश लड़ता है, चाहे हमीद हो हरदयाल या कि हरविंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। वो सही सैनिक दो दूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं, सही सैनिक दो दूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं, जहां शहीदों की चिताओं पर आप लगा सकते हैं भगत महावीर जी का। अंतिम पंक्तियां सुनना। अमेरिका बोला अब तो हमारे अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। दुनिया में भारत का जो शौर्य बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, अमेरिका के मुंह से सुनना बात दुनिया के, एक पंक्ति भारत के शौर्य के रूप में सुनना और दूसरी पंक्ति आनंद के रूप में सुनना। अमेरिका बोला अब तो भारत की अगवानी में हमको भी कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है और जिसे कभी बीजा देने से मना किया था उसे जीजा कह के बुलाना पड़ा। जय हो। बहुत अच्छा आपने सुना। मैं अपने समय को कम करता हूं क्योंकि दो बड़े महनीय और महत्वपूर्ण कवियों को मुझे सुनना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं पहले किससे निवेदन करूं। मुझे ऐसा लगता है कि आइए अब उस शायरी को सुने जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब हमारे पास वो शायरी